मे बी आप लोगों ने मटर पनीर तो बहुत बार ट्राई किया होगा एंड मे बी पनीर भुर्जी भी ट्राई किया होगा। दोनों अलग अलग रेसिपी है, सो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को कंबाइन करके एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाई जाए जिसमें आपको मटर पनीर का भी टेस्ट आ जाए और साथ में पनीर भुर्जी का भी आ जाए। सो जो आज की रेसिपी है बहुत ज़्यादा यूनिक है, मे बी आज से पहले आपने नहीं ट्राई किया होगा एंड जितनी भी चीज़ें आज यूज़ करने वाली हूँ टोटल चीज़ आपको घर पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा एंड इसका जो टेस्ट बहुत ज़्यादा औसम है, ना तो कोई आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज़ करने पड़ेंगे और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को बिल्कुल इंटो वॉच करिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए एंड रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकती हूँ एंड इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल आई मीन रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। सो आप घी की जगह पर बटर का यूज़ कर सकते हो, बट जो घी है उसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सो मैं सजेस्ट करूँ कि आप घी यूज़ करना। जब दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ में ऐड कर रही हूँ 3 से 4 पिंच हींग, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स लिया है जिसे कि क्रश कर दिया है, मतलब इसे ग्रेट करके नहीं यूज़ करने, देख सकते हो साबुत है बट ये क्रश किया हुआ है। और साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ में ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। सो मैंने यहाँ पर 1 मिर्च को बारीक कट कर दिया है और 2 मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट किया है बट बीज निकाल दिया है। ऐसा करने से जो रेसिपी है उसमें बहुत अच्छा सा सर्विंग के टाइम पर लुक आता है। तो चलिए सभी चीज़ों को अप्रॉक्स 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किया है और 1 प्याज को लंबा लंबा कट किया है। सो आप इस तरीके से यूज़ करना, बहुत अच्छा सा लुक और फ्लेवर आएगा। सो इसे भी ऐड करेंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। सो जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो ऐड करेंगे कैप्सिकम। सो मैंने यहाँ पर 1/2 शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक कट कर दिया है। सो इसे भी ऐड करेंगे और भून लेंगे। तो चलिए प्याज और शिमला मिर्च अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। सो इस स्टेज पर ऐड करेंगे टमाटर। सो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप किया है और 1 टमाटर को बड़ा बड़ा कट किया है। सो इसे भी ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने टमाटर को थोड़ा बड़ा कट किया है। ये सभी चीज़ों से अच्छी सी लुक आएगी हमारी रेसिपी में और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर ये नमक ऐड करना है ताकि जो टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एंड इसे स्टेज पर ढक देंगे अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ 3 मिनट के बाद देख सकती हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सो इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच मिक्स मसाला। सो इस मसाला को ऐड करने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड करना पड़ेगा जैसे धनिया जीरा गोलकी। सो इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर से चेक कर लेना। एंड इस स्टेज पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विस्क किया हुआ ताजी दही। सो खट्टी दही का यूज बिल्कुल नहीं करना है और साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच छाली जो कि दूध के ऊपर बैठ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हो। सो वापस से सभी चीजों को 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आएगा हमारी रेसिपी में। आप यहाँ पर अगर नॉर्मल वाला यूज करें तो थोड़ा कम यूज करना। सो वापस से अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप मटर। सो मैंने यहाँ पर 1 कप मटर लिया था जिसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड करके अच्छे से बॉयल कर दिया था। तो ये छोटा वाला मटर है, ये मीठा नहीं होता है बट अगर आप बड़ा वाला मटर यूज कर रहे हो पहले से मीठा होता तो आपको ये वाला प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसे बॉयल कर लेना। सो मटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो इस स्टेज पर ऐड करेंगे पानी। सो मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ एंड आपको जितना थिक या फिर थिन चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लेना। तो बिल्कुल अच्छे से एक बार पानी और जितनी भी चीज़ें उसे मिक्स कर लेंगे एंड साथ में ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम पनीर जिसे कि मैंने क्रश कर लिया था। सो इसे भी ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड अब मैं इसे ढक दे रही हूँ अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि एक अच्छा सा ऑयल आ जाए। सो फाइनली इसका लुक देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगर आपको थोड़ा और थिक चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए और फ्लेम रहने देना ताकि थोड़ा और सूख जाए। सो फाइनली स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। सो घी से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा एंड एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली तैयार है हमारी मटर और पनीर की बिल्कुल नई सी रेसिपी। सो मेरे फ्रेंड्स आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, सो एक बार जरूर से ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी आपको भी। सो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना एंड आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई वो भी मुझे
कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड ऐसी और रेसिपीज के लिए प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके पक्का सॉल्व कर लेना। सो मिलती हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।